आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अप्रैल से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल के दाम करीब 50% तक गिर चुके हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों अपना निर्यात बढ़ाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इसी रेस में अब रूस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। इंडोनेशिया ने कुछ दिनों के लिए निर्यात लेवी हटा दी है तो रूस से एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा, खाद्य तेलों के बड़े उत्पादक देशों में तेल बेचने की छिड़ी जंग का फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा और उनके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। काफी दिनों से भारतीय उपभोक्ता खाद्य तेलों के बढ़ते दाम से परेशान थे, जिन्हें अब राहत मिलने का वक्त आ गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे बन रहे हैं। वहीं ठक्कर ने कहा कि रूस ने सूरजमुखी तेल और बता दें कि सूरजमुखी केक निर्यात के लिए कोटा बढ़ा दिया है। रूस सरकार ने पर्याप्त घरेलू आपूर्ति का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। रूस ने मार्च के अंत से अगस्त के अंत तक सूरजमुखी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। घरेलू कीमतों को काबू में करने और कमी से बचने के लिए सूरजमुखी के तेल पर निर्यात कोटा लगाया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहीं महासंघ के नेता ने बताया कि नई घोषणा के मुताबिक रूस ने सूरजमुखी तेल के लिए निर्यात कोटा 1.5 मिलियन टन की पिछली सीमा से बता दें कि 4 लाख टन बढ़ा, जबकि सूरजमुखी मील के निर्यात पर प्रतिबंध को 7 लाख टन की पिछली सीमा से 1,50,000 टन बढ़ा दिया गया है। रूस के मुताबिक प्रतिबंधों को कम करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति है, निर्यात में वृद्धि से उत्पादकों को लाभ होगा। ठक्कर का दावा है कि इससे भारतीय बाजार में खाद्य तेलों का फ्लो बढ़ेगा जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की वजह से मलेशिया के मुकाबले निर्यात में पिछड़ गए इंडोनेशिया ने अब फिर से निर्यात बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक ने पाम तेल एवं अन्य उत्पादों से निर्यात लेवी 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक हटा दी है, जिससे भारत में कम दाम पर पाम तेल एवं अन्य उत्पाद का आयात होगा जिसका फायदा यहां के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बता दें कि भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। हम हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल मंगाते हैं। भारत में कुल खाद्य तेल खपत का करीब 60% का आयात किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हलचल का असर यहाँ खाद्य तेलों के दाम में उतार चढ़ाव के रूप में देखने को मिलता है। ठक्कर का दावा है कि अब इंडोनेशिया और रूस के फैसले से दाम में नरमी देखने को मिलेगी। पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस समय पहले ही खाद्य तेलों के दाम में औसतन 30 रुपए प्रति लीटर की कमी आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स चीन। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।